मैं तेरी गुनहगार, मेरी वजह से तुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। ना मैं हरमन से तेरी शादी कराती, ना तेरा उससे दिल लगता, और ना ही इतनी बुरी तरह से टूटता। मुझे माफ कर दे सोमू, माफ कर दे। माँ इस पत्रों, आपने कुछ गलत नहीं किया है, माँ कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि आपकी वजह से तो मुझे उन 20 खूबसूरत दिनों को जीने का मौका मिला, जिसमें मैंने इतनी सारी खुशियां झेली, जिनकी शायद मैं हकदार भी नहीं थी, और वो सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया माँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अपना उन यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। सो वो यादें, वो पल, वो सच नहीं, वो सिर्फ एक छलावा है, और इसे तू जितनी जल्दी स्वीकार कर ले वो उतना ही अच्छा है तेरे लिए, क्योंकि इस भ्रम के साथ उतर तू जितनी आगे बढ़ेगी ना, उतना ही वापस लौट के आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भूल जाओ उन पलों को, भूल जाओ उन शब्दों को, एक नई सिरे से जिंदगी शुरू कर, जहां पे मंगलसूत्र, सिंदूर, पति, ससुराल कुछ भी ना हो। पर माँ, मैं तो हरमन जी को अपना पति मान चुकी हूँ, मैंने ना सुहागन बनकर व्रत रखा, उनके साथ पूजा भी की है, शायद इसी कारण मैं इस भ्रम में जीने लगी हूँ। लेकिन माँ, मुझे ना इस भ्रम में जीकर खुशी मिलती है। अगर भ्रम के सहारे जिंदगी कटती तो हर इंसान अपने सपनों की एक दुनिया बना लेता। सुबह सपनों में और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है, और तू जितनी जल्दी इस बात का एहसास करेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। याद है माँ, आपने मेरी मांग से सिंदूर धोने की कोशिश की थी, पर वो धुला नहीं। वहां उस घर में उन लोगों ने मुझसे मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। इसे उतार कर फेंक। हरमन जी! ये सोचकर कि मैं उनकी तरह उनके साथ वहां जीने लगूंगी, पर देखो ना माँ, मैं तो वापस आ गई। अब आप इसे मेरी नियति कहें या फिर संयोग, मैं तो हरमन जी को अपना पति मान चुकी हूं, अब मैं उनकी सुहागन बनकर ही रहूंगी। सही है जीजू, अभी शादी की रस्म कर देते हैं, बाद में समय और कोई अच्छा सा बहाना देकर हम छोटी सी पार्टी शार्टी दे देंगे। वेरी स्मार्ट मामी जी, पर आपको तो अंदाजा भी नहीं कि आप अपने हाथों से कैसे सिचुएशन को उलझाकर अपनी फैमिली के लिए और मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। मेरा क्या है, मुझे तो बस बहती गंगा में हाथ धोने हैं। पंडित जी ठीक है, कल का मुहूर्त मंजूर है हमें। हरमन ओए, तू अपनी फिटिंग दे कुछ कपड़े शपड़े ले, अमृतसर तक चला जा, नवा शहर चला जा, जलंधर चला जा, और माही को भी साथ ले जा। ठीक है ना प्रीत? अरे आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी सही लगे, मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं जाना। हरमन पुत्र, सारे काम सिर्फ अपने लिए
या अपनी मर्जी से नहीं किए जाते ना। जिस तरह से बाकी सारी जिम्मेदारियों को निभाया है ना तूने, उसी तरह से इस जिम्मेदारी को भी निभा। जा माही को शॉपिंग पर ले जा। ठीक है, फिर मैं तैयार हो क्या था। माही जा, तू भी तैयार। ठीक है मम्मी जी। पंडित, आज आपने यूं समझ लो कि खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। ऐसी खुशखबरी दी आपने, घर में ऐसा लगता है जैसे खुशियों का आगाज है। बस ये आज इसी बात पे आपका मुंह मीठा होना ही चाहिए। है जी, एक मिनट ठहरिए बलवंत, चाय बिस्कुट लेके आ। पंडित बस से मिठाई ले आ थोड़ी जी, ते चाय है स्पेशल, बिल्कुल बना के बिल्कुल स्पेशल। है जी पंडित जी। कितनी प्यारी खुशबू है ना, हमारे प्यार की खुशबू। माही तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ो, देखो कोई आकर देख लेना। इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ूंगी, पंजाबी कुड़ी हूँ, एक बार गले लग गई ना तो इतनी आसानी से छोड़ती नहीं। और तुम्हें तो मैंने बचपन से ही गले लगा लिया है ना हरमन जी। क्या 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 कर रही है तुम? दूर हट, दूर रहो मुझसे। एक दिन बाद तो हमारी शादी होने वाली है हरमन जी, अब इतना भी क्या शर्माना। और वैसे यहाँ हमें देखने वाला कोई भी नहीं, सब नीचे शादी की तैयारी में बिजी है। अच्छा हुआ माही ऐसी तेज कुड़ी निकली, इधर हरमन माही की जाल में उलझा और उधर हरक सिंह की बुनिया अधेड़ी। बस फिर क्या, सब हमारा। सारा रोमांस आज ही कर लोगे आप लोग कि शादी के बाद के लिए भी कुछ रखोगे? हाँ हाँ जी जी, वो मैं क्यों आई, हाँ मैं ना ये लिस्ट देने आई थी हरमन जी को। वो क्या है ना, हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो सोचा कि मैं इन्हें लिस्ट दे दूँ, बहुत सारा सामान लाना है ना इसीलिए। दे दी लिस्ट? हाँ बस दे ही रही थी। सुनते हैं हरमन जी, पंडित जी ने काफ़ी चीज़ें मंगवाई है, चलें शॉपिंग के लिए। सुरभि, मेहंदी के बाद ये साड़ी पहन, बड़ी सोनी लगेगी तुझ पे। ये देख सोम्या, इनमें से कौन सी पहनेगी? मैं कुछ भी पहन लूंगी। ऐसे कैसे कुछ भी पहन लोगे? हाँ ठीक है, अगर आप कुछ भी पहन लोगे तो मैं भी कुछ भी पहन लेती हूँ। आप मेरे दीदी, मेरी शादी की हर रस्म में आपको पटाखा लगना, समझे ना? सही कहा ना कल से? और नहीं तो क्या, और अगर तू जटाका तैयार नहीं होगी तो कौन होगा मैडम? और वैसे भी यही मौके है सजने संवरने के। पुत्र पसंद कर लेना तू भी अपने लिए कोई साड़ी। जी की साड़ी पहनना। मैं ना ये ऑरेंज कलर वाली पहन लेती हूँ, हरमन जी को बहुत पसंद है, उनका फेवरेट कलर है। अरे वाह क्या बात है, अब साड़ी भी पति की पसंद से। अच्छा मैडम, बड़े लकी है जीजा जी, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये देखिए मैडम जी। क्या भैया,
ये कैसी कैसी साड़ियां बता रहे हैं आप? आपको पता है शादी है वो भी मेरी, कुछ स्पेशल तो बनता है। ये मार्केट में निकलो ना तो ऐसी 10 साड़ियां देखने को मिल जाती है। हाँ, आप ना एक काम करिए, कोई स्पेशल सी लाके बताइए, एकदम प्रिटी वाली। ठीक है? ठीक है, आप जरा रुकिए, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए मैडम। हाँ, ये ऑरेंज वाली दिखाई। ऑरेंज वाली? हाँ। ये प्यारी लग रही है ना? हाँ मैडम जी, बहुत प्यारी दिखेंगी आप पे। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, हरमन जी ये कैसी है? एकदम बकवास है। हरमन जी एक बार अच्छे से तो देखिए। अच्छा ठीक है, मैं ना ये साड़ी को अपने ऊपर डाल के दिखाती हूँ, फिर बताइए। भाई साहब ट्रायल रूम कहाँ है? जी हाँ। थैंक यू। हरमन जी ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। वैसे तो तुम पे हर कलर अच्छा लगता है सौम्या, पर ये कलर लगता है खास तुम्हारे लिए बना है। बहुत प्यारी लग रही हो। हरमन जी प्यारी है ना सारी? आज आप यहां होते तो यही कहते कि मुझे इसी रंग की साड़ी पहननी चाहिए। ओफो हरमन जी एक बार देखिए तो सही, मैं कैसी लग रही हूं? मुझ पे ये साड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं? अच्छी है ना? कहां खो जाते हैं आप। और वैसे ये जो ऑरेंज कलर होता है ना, मुझे ऑरेंज कलर बहुत ही घटिया कलर है, ये किसी पे अच्छा नहीं लगता, ना तुम पे ना किसी और पे। बाय गॉड, आप ऐसा सड़ो सा मुंह बना के ही घर तक ड्राइव करने वाले क्या हरमन जी? मैं तो बोरी हो जाऊंगी ना। अरे बाबा, आपको जो साड़ी पसंद नहीं आई थी ना, मैंने वो खरीदी ही नहीं, फिर किस बात का गुस्सा? गाड़ी के इंजन से ज्यादा गर्म तो मेरे पति देव का दिमाग गर्म है। कोई बात नहीं, एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर आपका दिमाग ठंडा रखने की जिम्मेदारी मेरी। अचानक से ब्रेक क्यों लगाया आपने? तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूं। अब क्या हो गया, रास्ता क्यों रोका मेरा? शादी मुबारक हो। वो जो गाड़ी में बैठी है वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है ना? हाँ है। कोई तकलीफ? ना, तकलीफ नहीं, हैरानी है।
कल तक अपनी बगल में सौम्या को बिठाकर भागने वाला हरमन आज उसी जगह पर किसी और को बिठाकर शादी की खरीदारी पे निकला है। अब तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल दोगी? मैंने सौम्या की माँ से वादा किया था उसे उसके घर सुरक्षित पहुंचाने का। मैंने अपना वादा पूरा किया और वो वहां बहुत खुश है पहले जैसे। तो तुम्हें मेरी और सौम्या की जिंदगी में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, जाते जाते 10-20 रुपए तो देते जाओ, वरना अपनी होने वाली बीवी के सवालों का क्या जवाब दोगी? हरमन, मैंने कहा था ना कि सौम्या का आने वाला कल तेरे फैसले पे टिका है। सो हो गया फैसला। हाँ दीदी, सौम्या दिन रात हरमन जी के रट लगाए बैठी, पूरी जिंदगी इनके नाम कर दी और हरमन जी हैं कि दूसरी शादी रचा रहे, जब साथ में रखना ही नहीं था तो भगाया क्यों? करीना, जाने अनजाने में हरमन तराना को त्याग चुका है और ये बात तराना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो घुट घुट के मर जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, इसलिए उसे हमारे साथ वापस जाना ही होगा। मुझे उसकी कुछ दिन की घुटन मंजूर है, लेकिन जीवन भर का दुख और तिरस्कार में। अब क्या कर रहे हो यहाँ? चलो यहाँ से। प्रीतो जी, हम तो ये बताने आए कि प्लान पूरा हो गया। अब तो कौन सा प्लान? कोई प्लान नहीं चाहिए मुझे, चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों को कोई यहाँ देखे, जाओ। अरे जी, हमें अपनी बरादरी से। अरे सुना नहीं तुम दोनों ने? निकल जाओ यहाँ से। जितनी तुम दोनों ने कोशिश भी नहीं की ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब दोबारा यहाँ नजर आई ना, पुलिस में बंद करवा दूंगी। निकल जाएंगे, धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये हम पता लगा के रहेंगे कि किसके दम पर तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची हो गई है आज। डरती हूँ, जो पता लगवाना है लगो, जो करना है करो। निकल जाओ यहाँ से। चल निकाल यार इसके पास हम लोग। देख लूंगी इसको भी मैं। तराना के हरमन के साथ लड़की कौन थी? पता नहीं, कि तराना की बहन तो नहीं लग रही है। अरे पता नहीं कौन है। चल रवीना, चल चल। ये लोग यहाँ? We'll be right back.
टीवी बंद करो, वहां लाइट्स बंद करो, यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। की हो गया तुम इस तरह कमरे में अकेले क्यों बैठी? चला जा बाहर आ जा। अरे कल हरमन का ब्याह है, आजा चलकर थोड़ा हाथ बटा। हरमन हरमन हरमन, मम्मा इरिटेट हो गई उसका नाम सुनते सुनते। हरमन की शादी, हरमन की जिंदगी, हरमन की खुशी। शादी की तैयारी अच्छे से हो गई ना? अफसोस की बात है, आपने बाहर इतना उजाला कर दिया कि आपको ये तक नहीं दिख रहा कि आज आपकी बेटी अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके इस अंधेरे में बैठी। आप मेरे ऊपर क्या बीत रही है ना, आप कभी समझ नहीं पाओगे, कभी नहीं। माँ भी कहती है और साथ ये भी कहती है कि मैं नहीं समझ पाऊंगी, तो मैंने सब नजर आंदा है, तेरे कमरे का अंधेरा भी और तेरे दिल का भी, वही दूर करने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी वजह से हम सबकी जिंदगी में अंधेरा आ गया, उसे हमारी जिंदगी से दूर करने की कोशिश कर रही। हरमन देव ब्याह के साथ ही उस किन्नर का साया हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मैं सब ठीक करने की ही कोशिश कर रही, मैं सब ठीक करूंगी पुत्र, थोड़ा वक्त है। अम्मा वाह माही, बहुत प्यारी प्यारी साड़ियां खरीद कर लाई हो तुम, है ना? और जीजी ये वाली देखो कितनी प्रिटी है ना, बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत पसंद आई। लेकिन पता नहीं जब हरमन जी से पूछा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, पता नहीं उन्हें कैसी लगेगी। अरे तू फिक्र मत कर, जब तू इसे पहनकर आएगी ना तो तेरे हरमन जी ना उनकी नजर ही नहीं हटेगी तुझ पर से। थैंक यू। आइए जीजी। कल तेरी हरमन से शादी हो जाएगी, फिर तू इस घर की बहू बन जाएगी और मैं तेरी सास, तब शायद मैं तुझसे ये बात ना कह पाऊँ, इसलिए अभी कहने आई। सब कुछ जानते हुए भी हरमन से शादी के लिए हाँ कहकर तूने हमारी इज्जत बचाई और हमें अपना कर्जदार बना दिया। मम्मी जी, इस फैमिली को तो मैं पहले से ही जानती हूँ और हरमन जी को तो मैं बचपन से ही पसंद करती हूँ। हरमन जी के साथ जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, वो सब गुजरा वक्त था मम्मी जी। और रही बात, अगर आपको लगता है कि आप कर्जदार हो गई हैं तो ठीक है, मैं कर्ज के बदले आपसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ पक्का मांग लूंगी। सब कुछ तेरा ही है, जब जो जी करे मांग लेना पक्का। ओ प्रियता, उधर आते आई। सुन, ये मैंने तेरे लिए लिया, कैसी लगी? बहुत प्रिटी है मम्मी जी, बेस्ट वाली। हाँ मेरी लाडो, बस ऐसे ही चासनी सी बातों से जाल बुनती जा और देखती जा कैसे धीरे धीरे एक दिन सांस भी नहीं ले पाएंगे ये लोग। ओफो जीजी, अब आप ना मेरी शादी को अपने पर्सनल जंग का मैदान मत बनाओ, आप ना अपनी दुश्मनी अलग निभा लो, मुझे तो ना ये प्यारा सा रिश्ता निभाने दो। निभाले तो रिश्ता, प्रीति साड़ी है ना, सो स्वीट ऑफ मम्मी जी, तो मेरा कितना ख्याल रखती है, कितनी प्यारी साड़ी दी है मुझे, देखिए ना मैं इसमें कैसी लगूंगी, मैं भी कितनी पागल हूँ, ऐसे थोड़ी पता चलेगा आपको मैं कैसी लगूंगी। मैं इसे ना और क्या पता फिर बता दूं।
इट्स ब्यूटीफुल। क्या कहते हैं हरमन जी, कैसी लग रही हूं मैं? कैसी है साड़ी? अच्छी। एक बात पूछूं हरमन जी, सच बताइएगा। पूछो। ऑरेंज कलर की साड़ी में सौम्या बहुत अच्छी लगती थी ना? ऐसे क्यों देख रहे? जासूसी नहीं कर रही हूँ, औरत हूँ इसलिए समझ सकती हूँ, इंस्टिंक्ट यू नो। पर सच बताइए, आप सौम्या को अभी भी नहीं भूल पाए ना हरमन जी? नहीं। बस आपकी इसी बात पे तो मैं फिदा हूँ, कितना प्यार है आपके दिल में। आपसे मेरी शादी का होना किसी व्रत के फल को पाने जैसे, जैसे मेरी हर विश पूरी हो गई हरमन जी। बस यूं ही मुझे भी प्यार करते हैं। वैसे अगर आपको सौम्या की याद आ रही है तो आप फोन कर लीजिए, नंबर तो है ना आपके पास? नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया कि उसे अब कभी कॉल नहीं करूंगा। हमारा साथ यहीं तक था, अब वो अपने रास्ते और मैं अपने। I'm gonna make you mine।